भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस को सद्बुद्धि देने बुढ़ेश्वर हनुमान मंदिर के समक्ष शुक्रवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया। बृजमोहन अग्रवाल ने हनुमान जी का जयकारा लगाकर हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत की। हनुमान चालीसा पाठ के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हनुमान चालीसा पाठ के माध्यम से प्रार्थना की गई है कि सनातन विरोधी नीतियों पर चल रही कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश को सद्बुद्धि प्रदान करे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि सनातन की स्थापना के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अपने घोषणा पत्र में कहती है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना किसी कारण के कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इस पर विचार किया जाएगा। अरे मुख्यमंत्री जी, जरा नक्सलियों पे कंट्रोल कर लो, जरा कानून व्यवस्था को संभाल लो, जरा माफियाओं को संभाल लो और बजरंग दल, बजरंगी हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त भक्तों पर, हनुमान जी पर आप प्रतिबंध लगाने की हिमाकत नहीं कर सकते। आप ठिकाने लग जाएंगे, हनुमान जी आपको ठिकाने लगा देंगे। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि देने के लिए, उनके घमंड को चूर करने के लिए और हनुमान जी से ये कामना करने के लिए कि जो लोग घमंड में चूर हो गए हैं और बजरंगियों का अपमान कर रहे हैं उनको आप ठिकाने लगाएं, उनको सद्बुद्धि दें, इसके लिए आज यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया।